तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे सेनार के काल लाल सुन में फिर से। तो दोस्तों देखो, ये है गैस की, है ना, गैस की सप्लाई यूनिट एक्स का। अब जैसे मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ, देखो इसमें कोई लाइट नहीं आ रही है ना। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम आपको कैसे सोल्व करना मैं बता दूँ आपको। देखो जैसे चाबी ऑन कर दी, अब देखो इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही है ना, तो है ना। अब इस पोजीशन में जैसे आपकी गाड़ी आ जाती है, देखो इसमें ज़्यादातर परेशानी पता कब आती है, एक तो सर्दियों में और एक बरसात में, क्योंकि पानी की सीम जाने की वजह से, या फिर आप कहीं रास्ते में गए या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं तो जाके गाड़ी बंद करते हो, दोबारा स्टार्ट करते हो, तो इसमें लाइट नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक सेकंड में इसका सॉकेट निकाल देता हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो इसको, इसके पीछे है ना एक सॉकेट आता है, देखो कहाँ है वो दिख जाए शायद, हाँ ये रहा, देखो ये सॉकेट आता है इसमें, देखो इस साइड पे जोर से दबाते हैं ना तो ये लॉक ऊंची हो जाती है, उसे यूँ खींच लेना, ये दबाता है ना ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो दोस्तों सबसे पहला चेकिंग जो आप खुद कर सको वो बता रहा हूँ मैं। ये देखो ये लाल कलर का तार है ना, ये देखो इसको देखना है आपको, ये कहाँ से जा रहा है, जैसे यहाँ से ये रहा ना, इसके अंदर से ये जा रहा है। अब ये किधर जा रहा है, ये इधर होके ये यहाँ होके, देखो ये जा रहा है इसमें से, ये आ गया रेड कलर है ना। अब इसको देखना आपको, ये जा खा रहा है ना, तो देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये वायर यहाँ गया, यहाँ से इसमें इसकी सप्लाई ले रखी है ना। तो इसमें आपको सप्लाई चेक करनी है सबसे पहले, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको करना क्या है वो मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। पहले तो इसमें सप्लाई चेक करनी है, आ रही है नहीं आ रही, वो क्या तरीका है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो रुको, एक मैं तार का टुकड़ा मंगाता हूँ। तो देखो अभी दोस्तों, ये जो अगर आपके साथ हो जाए ना ऐसी प्रॉब्लम, तो मैं बता रहा हूँ ये करने का तरीका है। आप यानी कहीं रास्ते में अटक जाओ रात भी रात में या कभी भी, तो आप खुद अपनी गाड़ी को कर सको। देखो अब उस लाल तार का अपन को सबसे पहले क्या चेक करना है, वो लाल तार है ना उसके अंदर, तो वो क्या चेक करना है वो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। देखो तार लिया था लड़का, फिर मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, आप किस तरीके में प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट करने का, कि किस तरीके से आप यानी रास्ते में पड़े नहीं रह पाओगे इससे। लाओ बेटा, बेटा वीडियो बनाओ थोड़ी सी, है ना, ढंग से दिखाना, नहीं ये दिखना चाहिए यार, वीडियो ढंग से बना, है ना। पकड़ लो मोबाइल को, पकड़ लेंगे मोबाइल, है ना, बस टच मतलब स्क्रीन पर, है ना। तो जैसे कि दोस्तों ये दिख रहा है ना ये, अब इसमें देखो एक तो सफ़ेद तार है, एक पीला तार है, एक नीला तार है, एक लाल है, एक ब्लैक और एक कत्थई कलर का है। तो आपको करना क्या है, जो लाल की सिद्ध में ना ये देखो, ये यहाँ पर मैंने लगा लिया और इसको यूँ दाब लिया हाथ से, है ना, और चाबी ऑन कर देनी है। अब चाबी ऑन करने के बाद में आपको करना क्या है, बेटा इस तरफ दिख रहा है, इस बोल्ट की तरफ दिख रहा है, बोल्ट दिख रहा है ना, है ना। अब यहाँ पर आपको हल्का सा यूँ अड़ाना है इसको, चाबी ऑन करके यूँ, चाबी ऑन है ना, हाँ तो रुको, ये देखो दोस्तों ऊपर में नहीं दिखा रहा, एक सेकंड में इसके अंदर ही घुसा देता हूँ। देखो ये लाल तार है ना, इसको उधर देखो तो छेद दिखेगा आपको यहाँ पे, इसमें यूँ घुसा देना है आपको, है ना, ये अंदर गया। अब इसको है ना कोई भी लोहे का बिड़ा के देखना ही, ये देखो आई ना स्पार्किंग, ये देखो ये आ रही, और कहीं दिखा यार, यहाँ दिख जाएगा, देखा दिखाना, नहीं यहाँ दिखा, पेडी इस पे दिखा, दिख रहा है ना। देखो दोस्तों ये देखो है ना, स्पार्किंग आ रही है, इसका मतलब है इसमें करंट की सप्लाई चालू है अपनी, ये डिक्की खराब हो चुकी है। तो अब इसको अपन को करने के लिए तरीका क्या पता है, जैसे ये अब जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी अगर पेट्रोल पे चलानी है तो करना क्या है, एक तार तो ये लाल वाले की सिद्ध में घुसा देना है, ये लाल में घुस गया है ना। अब तार का जो दूसरा हिस्सा है ना, अब जैसे कि मान लीजिए आपको, देख पहली बात तो आपको बता दूं, अगर इसमें जैसे मान लो लाल तार में अपन यूँ चेक करते हैं और ये करंट नहीं आ रहा, अगर ये नहीं आता है ना, तो आपको करना क्या है, वो वायर की सप्लाई में है ना जहाँ पे वो लगा हुआ है सप्लाई, वहाँ से उतनी सप्लाई यानी उसको चेक करना है, वहाँ से टूट तो नहीं गया, रास्ते में ख़राब तो नहीं हो गया, और अगर फिर भी नहीं आया और वहाँ पर करंट लगा के चेक करना है, और यहाँ पर डायरेक्ट दे देना है आपको लाल तार में एक तार दूसरा, मतलब यानी यहाँ पर दूसरा तार दे देना है और लगा देना, जिससे तो हो गया डायरेक्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको ये डिब्बी ख़राब हो जाए आपकी, भैया डिब्बी ख़राब हो गई है, ये दिखा ना डिब्बी ऊपर करें ना यार, है ना, ये डिब्बी आपकी ख़राब हो चुकी है, तो आपको करना क्या है, देखो एक तो लाल में घुसाना है। अब अगर आपको जैसे मान लीजिए पेट्रोल पे चलानी है, तो ये देखो ब्राउन कलर का वायर ना, इसके छेद में घुसा दो गाड़ी को, देखो ये किया अब देखो गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट होगी, देखो ये हो गई पेट्रोल पे, ये देखो हो गई ना। अब ये पेट्रोल पे, और अगर आपको गैस पे करनी है तो गैस पे करने के लिए क्या करना है दोस्तों, इसको इसमें से निकाला, और ये जो नीले कलर का तार है ना इसके बगल में होगा, लाल के बगल में, हमेशा ध्यान रखना लाल के बगल में होता है नीला तार, ये नीले में घुसा देना है, बस
ये नीले में घुसा दिया, ये स्टार्ट, ये देखो, ये देखो। अब ये गाड़ी यानी गैस पे हो चुकी है। इस पोजीशन में आप लोग डायरेक्ट करके गाड़ी को आप ला सकते हैं। कभी भी ये डिब्बी खराब हो जाए, इसमें लाइट आना बंद हो जाए, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट करके अपनी गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हैं, चाहो जितना चला सकते हैं दूर। भाई अगर आप ये सोच रहे हैं यार मेरा तो घर 100-200-500 किलोमीटर, तो आप इसे डायरेक्ट पर भी ही गाड़ी को ले जा सकते हैं। LPG किट का तरीका है दोस्तों ये। इस तरीके से आप डायरेक्ट करके अपनी गाड़ी का जो है ना, यानी आपका रास्ते में पड़े रहने वाला काम वो नहीं होगा, इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जिनको मालूम था ना उनको तो चलो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम था, जिनके पास गाड़ी है पर नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए वीडियो है। आप जब चाहें जब ये तरीके से अपना कर अपनी गाड़ी को रास्ते में नहीं रुकने देंगे। अब देखो इसको मैं लगा देता हूँ आप लोगों के सामने, एक सेकेंड, देखो इसको लगाना ही, देखो कितना आसान है। ये गई और ये एक सेकेंड दिखता रहना चाहिए, ये गई ना, पूरे छेद मिल गए। अब इसको दबा देना है, बस ये दबी और ये लॉक हो गई। इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का गैस का सिस्टम है ना उसे डायरेक्ट कर सकते हो, पेट्रोल को भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी गाड़ी का खुद ही काम कर सकते हैं। बाद में आपको करना क्या है, ये सिर्फ ये डिब्बी दूसरी खरीदनी है, ये गैस की ये डिब्बी अलग से, और ये डाल देनी और आपका काम हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मैकेनिक का नॉलेज जो पब्लिक प्रॉफिट की है मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ, जिससे पब्लिक का फायदा होता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और ये LPG किट का है देखो दोस्तों तरीका, ये LPG किट है ना, इसको करते हैं डायरेक्ट। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी, और ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। थैंक यू सो मच।